जहाँ बनाओ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि अगर कभी भविष्य में हमारा खजाना खत्म हो गया तो हम उसे दोबारा कैसे हासिल कर पाएंगे। हम अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर देंगे और खजाना जीत लेंगे। महाराज, युद्ध इसका समाधान नहीं है और संसाधन इकट्ठे करने में धन की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो हम अपने मित्र राजाओं से सहायता मांग लेंगे। अगर हम धन उधार लेते हैं तो हमें उस पर ब्याज भी तो देना होगा, जो ठीक नहीं होगा। बीरबल, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सब जानते हैं। आपके मन में क्या है सभी को बताइए। जहां बना, आपके राज्य में प्रजा खुशहाल है और उसे कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने अपनी प्रजा के लिए वित्तीय योजना के बारे में सोच रखा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने ये प्रश्न न केवल हमें बल्कि प्रजा को भी ये समझाने के लिए किया है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम उन बुरे हालात से निपटने के लिए तैयार रहें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे लगता है कि आप इस बारे में कुछ अलग सोचते हैं। जी जहां बना, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जहां तक जीवन के हर पहलू को सही तरह से जीने की बात है तो अपने सपनों को योजना बनाकर ही पूरा किया जा सकता है। उद्देश्य चाहे छोटे हो या बड़े, उन्हें पूरा करने के लिए वित्तीय योजना की जरूरत होती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो हमेशा कमाता रहेगा। कोई भी अनहोनी या बुढ़ापा हमारी कमाने की क्षमता पर रोक लगा सकता है, तो अगर उपाय नहीं किए गए तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए वित्तीय योजना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है हम सब वित्तीय योजना के महत्व को समझ चुके हैं, लेकिन करें तो कैसे, क्योंकि बाजार में इतने सारे वित्तीय उत्पाद हैं और फिर उनसे जुड़े तकनीकी पहलू भी। बस हम सबको एक शब्द याद रखना चाहिए, नियमित बचत। हम कितना भी कमाएं इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी कमाई से छोटी सी बचत तो हर महीने कर सकते हैं। लेकिन छोटी सी बचत से क्या फायदा, उससे बड़ी जरूरत थोड़ी ना पूरी हो जाएगी। मंत्री जी, इसके लिए एक और मंत्र है जिसे आपके लिए समझना जरूरी है, जिसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जब आप लंबे समय तक नियमित बचत करते हैं तब आप अपने ब्याज पर ब्याज कमाना शुरू कर देते हैं, जिसे चक्रवृद्धि कहते हैं, और लंबे अंतराल में इससे आपकी मूल बचत में वृद्धि होती है। वाह वाह। यही नहीं, और अगर आप अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते रहते हैं, साथ ही अलग अलग निवेश विकल्पों में निवेश करते रहते हैं, तो मैंने जितना भी बताया आप उससे भी अधिक कमा सकते हैं। बीरबल, तुम सच में बहुत अक्लमंद हो। आज तुमने इतनी सरल भाषा में हमें वित्तीय योजना की अहमियत के बारे में समझा दिया। मुझे यकीन है कि इससे अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर बनाने में हम सबको मदद मिलेगी और मुझे भी।